नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। वैभव, सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। तो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर ये बड़ी जीत दर्ज की है। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ ने आज की शानदार बल्लेबाजी, उन्होंने शानदार 82 रन की खेली पारी, जबकि शिखर धवन ने 46 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए दिल्ली ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 156 के स्कोर पर ही रोक दिया। दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल और ललित यादव ने लिए 2-2 विकेट। तो कोलकाता के 155 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत की। पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और उसके बाद वो गेंदबाज दोबारा बॉलिंग कराने आए नहीं। आईपीएल 14 में ये दिल्ली कैपिटल्स की 5वीं जीत है। और हमारे मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुरली कार्तिक हैं। कार्तिक, दोनों ही मुकाबलों की बात करें तो मुंबई और दिल्ली ने 7 विकेट से ये मुकाबला जीता है। दिल्ली की जीत पर आपका रिएक्शन? मुझे तो लग रहा था 10 विकेट से जीत जाएंगे, ज्यादा ग्रीडी हो गए वो लोग। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी मैच खत्म करना चाहते हैं, उसमें कुछ विकेट खो दिए। पर क्या बल्लेबाजी की यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। पृथ्वी शॉ में और आप मिड शो में बात कर रहे थे, आपने कहा था एक्स फैक्टर कौन हो सकता है। और मैच से पहले, सॉरी मिड शो में नहीं, मैच से पहले, और पृथ्वी शॉ की जो बल्लेबाजी थी, उन्होंने एक होता है ऑपोजिशन को मारना, ये उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया, लिटरली इतना तोड़ा कि उनके पास वापसी का कोई मौका ही नहीं रह गया ज्योत्सना। बिल्कुल, और वो गेंदबाज जिसने पहले ही ओवर में इतने सारे रन लुटाए, वो दोबारा गेंदबाजी करने आया नहीं। वैभव, ओवर टू यू। अब पॉइंट्स टेबल पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए ज्योत्सना, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली ने आज एक बार फिर छलांग लगाई है और दिल्ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। जिस तरीके से हम बात करें, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बहुत आसानी से इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन अंत में ठीक है, कई बार होता है कि तेजी से रन बनाने के चक्कर में आप 1-2 विकेट गवा देते हैं। तो मैं कार्तिक से जानना चाहूंगा, कार्तिक, अगर हम पृथ्वी शॉ की यहाँ बात करें, साल 2021 की जब शुरुआत हुई थी तो एक ऐसा साल था इस खिलाड़ी के लिए जो पिछला साल बहुत खराब रहा था, इस साल एक चांस था, मौका था, अपना जो नाम था फिर कमाने का, और क्या साल अब तक रहा है कार्तिक पृथ्वी शॉ के लिए। यही है ना, ये कमाल का गेम है, ये हमारा गेम जो है ये कमाल का। आप सोचिए, जब दोनों, आप सोचिए शुभमन गिल एक तरफ से ओपनर, पृथ्वी शॉ एक तरफ से ओपनर, दोनों गए थे ऑस्ट्रेलिया। पहले मौका मिला था पृथ्वी शॉ को, वो आउट हो गए क्योंकि फॉर्म में नहीं थे। उसके बाद शुभमन गिल के ऐसे बल्ले पे लग रही थी कि सबने कहा शुभमन गिल, शुभमन गिल। आप सोचिए वापस यहाँ आईपीएल की बात करें तो पृथ्वी शॉ क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं और शुभमन गिल के बल्ले से ऐसे बॉल जा नहीं रहा, तो ये आपको बताता है कि ये गेम कितना महान है और ये कितना फिकल है, फॉर्म कितना फिकल है, कितने जल्दी यहाँ से वहां फेरबदल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना भरोसा जताना, अपने ऊपर भरोसा रखना, और ये गेम आपको बहुत अलग अलग रंग दिखाता है। तो पृथ्वी शॉ की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी प्लेयर के लिए ना, इट्स नॉट जस्ट द गेम, इट्स द मेंटल बैटल जो आपको अपने साथ जूझना पड़ता है। और वो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप वो कर सकते हैं। और आपने मेंटल बैटल की बात की, मैं थोड़ा आपसे पृथ्वी शॉ के टेक्निक के बारे में भी जानना चाहूंगा। बहुत सवाल उठे थे उनकी तकनीक के बारे में ऑस्ट्रेलिया में, आपको क्या लगता है विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने क्या बदलाव किए और इस आईपीएल में क्या आपको लग रहा है उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं और आज वो क्या खा के मैदान में उतरे थे? वो पहला ओवर भी हमें विस्तार से समझाइए कार्तिक। वो तो मुझे नहीं पता वो क्या खा के उतरे थे, जरूर मारने के लिए खा के उतरे थे, कुछ तो मारने के लिए खा के उतरे थे। पर डेफिनेटली वैभव, जैसे आपने कहा, प्रवीण आमरे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, उन्होंने, पृथ्वी शॉ ने खुद बोला है कि उनके साथ उन्होंने काफी वक्त बिताया है अपने टेक्निक पे काम करने के लिए। कभी कभी टेक्निक के साथ साथ आपको कुछ मेंटल एस्पेक्ट्स पे भी काम करने पड़ते हैं, वो सब काम किया और दिख रहा है, क्योंकि उनका जो बैकलिफ्ट था उसके ऊपर काफी आलोचना हो रही थी, वो बैकलिफ्ट पे उन्होंने वर्क किया है, वो जिस हिसाब से उसको नीचे उसके डाउन स्विंग पे उन्होंने काम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन सबको आपका ब्लेंड चाहिए आपके मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। आप जितना मर्जी गेम पे आप वर्क कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल के गेम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी रन नहीं बन रहे तो वो दिख रहा है, और इसीलिए ये गेम और ये फॉर्म बहुत फिकल है, कब बदल जाए किसी का पता नहीं। इसीलिए कहते हैं जब आपके रन बन रहे हो ना तो उसको रोकिएगा मत। बिल्कुल, और ये सिलसिला, ये कारवा यूं ही चलते रहने दीजिए। अंजुम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजुम, आज का जो दिन है वो दोनों ही टीमों ने, दिल्ली और मुंबई ने 7-7 विकेट से मैचेस जीत लिए और दोनों के लिए आज का दिन लकी साबित हुआ है।
अगेन लकी तो वही है जो आप अपने लिए बना पाए। अगर मुंबई की बात करेंगे तो बहुत समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल पाए, और आज वो देखने को भी मिल रहा है कि एक अच्छी तरीके से टीम अपना खेल दिखा पाई। और अगर आज दिल्ली की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले दोनों मुकाबले जो दिल्ली हारी है वो बहुत करीबी मामले हारी है। एक बहुत करीबी मैच जीती भी थी सुपर ओवर में सनराइजर्स के विरुद्ध, तो ये अच्छी चीज है कि वो आज कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं और वो कॉन्फिडेंस उन सब खिलाड़ियों के गेम में, बॉडी लैंग्वेज में और एटीट्यूड में साफ दर्शा रहा है। और कार्तिक, अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से, अगर मैं कप्तानी की बात करूं ओयन मॉर्गन की, देखिए इस टीम के जो सबसे बड़े गेंदबाज हैं वो पैट कमिंस हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जब आप 154 रन डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें जब आपके जो मेन गेंदबाज हैं वो छठे ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे, तो इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया था क्योंकि आप अपने प्लान्स लेके आते हैं, बोलिंग प्लान्स, काफी मैचअप्स की आजकल बात होती है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट सेंस और क्रिकेट लॉजिक, और वहां लगता है कि ओयन मॉर्गन ने जो मर्जी सोचा हो, अगर आपने 180 और 190 के स्कोर के हिसाब से आपने सोचा हो वो अलग बात है, पर जैसे आपने कहा अगर 155 ही टारगेट है तो आप देखते हैं अपने बेस्ट बॉलर की तरफ, कौन यहाँ पे मुझे जल्द से जल्द विकेट लेके दे सकता है, क्योंकि विकेट नहीं मिलेंगे तो मैच भले ही 16वें ओवर में ना खत्म हो 19वें ओवर में। शिवम मावी को गेंदबाजी देना क्या आपको समझ आ रहा है? मतलब शिवम मावी की अगर बात करें, सामने आपके पैट कमिंस खड़े हैं, कमलेश नागरकोटी खड़े हैं, शिवम मावी को आप गेंदबाजी करवा रहे हैं? वही वैभव मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोचें, यही चौकन्ना कर दिया कि आपने क्या किया, यही हम भी सोच रहे हैं कि ये उन्होंने किया क्यों, क्योंकि वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने शिवम मावी को क्यों दिया। बिल्कुल, और उसके बाद क्या किया शिवम मावी की गेंद का पृथ्वी शॉ ने, वो हम सब ने देखा। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी की। तो सबसे बड़े ड्रीम इलेवन गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं पृथ्वी शॉ। आज के मैच में इन्हें मिले हैं 117 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही पृथ्वी शॉ के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 397। और कार्तिक, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, पृथ्वी शॉ के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हुई है, लगातार बात भी होती है कि शायद इंडिया और इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज है वहां भी मौका मिल सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से फॉर्म में आ गए हैं शायद आगे लगातार अब मौके मिलने चाहिए इनको। देखिए ये तो सेलेक्टर्स ही बता सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बतौर प्लेयर आप क्या कर सकते हैं जब आप पे सवाल या निशान उठे, क्योंकि अभी वो टीम में थे, टीम से जब ऑस्ट्रेलिया से उनको वापस आए और पिक नहीं हुए, आप उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया वो है रन बना के। वहां से कहां उस फॉर्म को लेके आए हैं, आईपीएल जो दुनिया देखती है और बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, उन्होंने रन बनाया है। बाकी जो चयन होता है वो डिपेंड करता है सेलेक्टर्स पे, दूसरा टीम कॉम्बिनेशन पे, टीम में क्या ऑक्यूपेंसीज हैं, क्या वेकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से रन बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको जगह मिल सकती है, क्योंकि जिसने जगह खाली करनी है उसका भी फॉर्म खराब होना चाहिए। अगर वो रन बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि पृथ्वी शॉ अंदर आ सकते हैं, पर वो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो रन बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे ड्रीम इलेवन गेम चेंजर खिलाड़ी की। तो ये हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस। आज के मैच में ये बने हैं ड्रीम इलेवन गेम चेंजर खिलाड़ी। इन्हें मिले हैं आज के मैच में 105 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 320। और जो 105 फैंटेसी पॉइंट्स पैट कमिंस के, 15 करोड़ के वो गेंदबाज हैं। अगर अंजुम छठे ओवर में उनसे गेंदबाजी कराएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला आज मतलब वाकया देखने को मिला आज के लिए कह सकते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले मैचेस के अंदर उनको ओपनिंग गेंदबाजी भी मिली है, दूसरे छोर से कई दफा उन्होंने दूसरा ओवर डाला है, चौथा ओवर भी डाला है। ये जरूर है कि आज गेंदबाजी अच्छी रही पैट कमिंस के, लेकिन जिस बल्लेबाजी के लिए हम उस मैच में जब इन्होंने मुंबई में इतने शानदार तरीके से रन बनाए थे वहां चुक गए थे, तो कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन एज अ टीम मुझे लगता है ओयन मॉर्गन कि जो पूरी टीम है वो बेस्ट तरीके से अभी तक जेल नहीं कर पाई, तो आप गलतियां तो हम कुछ भी ढूंढते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली यही खिलाड़ी हैं जो लगातार खेलते आ रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट इन्हीं 11 या 12 खिलाड़ियों के ऊपर हमेशा इसलिए दाव लगाती, ज्यादातर 11 खिलाड़ियों पे इतने समय से लगा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये नहीं कर सकते तो जो बाहर बैठा हुआ है वो तो डेफिनेटली इनसे कम फॉर्म में है, तो अब यहाँ से क्या निकल कर आता है, कैसे जाते हैं वो वक्त बताएगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और अगले गेम चेंजर खिलाड़ी की बात करते हैं। तो ये हैं दिल्ली कैपिटल्स के ललित यादव, बने हैं आज के ड्रीम इलेवन गेम चेंजर खिलाड़ी। ललित को आज के मैच में मिले हैं 76 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव
203। और कार्तिक, जब अश्विन बाहर गए थे तो मैंने संजय मांजरेकर से सवाल किया था, क्या अश्विन का जाना एक झटका हो सकता है दिल्ली कैपिटल के लिए? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ललित यादव हैं जो बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, और कार्तिक को दिखा रहे हैं कि मतलब अश्विन की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस कर रही दिल्ली कैपिटल। देखिए, आज उनका दिन अच्छा गया और मैं ज्योत्सना को यही कह रहा था मैच से पहले कि ललित यादव को तब मौके मिलते रहेंगे जब उनके मेन प्लेयर्स नहीं होंगे, जैसे अमित मिश्रा आज नहीं थे। अब जब अश्विन बाहर गए तो जरूरी नहीं है कि ललित यादव को मौका मिला। पहले अक्षर पटेल आए क्योंकि अक्षर पटेल फिट हो गए थे। अक्षर पटेल एक हरफनमौला खिलाड़ी है, ऊपर से भारत के लिए खेल रहे हैं, अच्छा किया है। पर आपको एक दाद देनी पड़ेगी कि एक ऐसे प्लेयर जिसको हमेशा पिट्स एंड स्टार्ट्स में मौका मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वहां पे उसके मौके का फायदा उठाए। ललित यादव ने आज किया बिल्कुल कार्तिक, और वही आज देखने को भी मिला और इन्होंने फायदा उठाया और गेम का रुख अपनी तरफ कर लिया। अब वक्त हमारे पास इतना ही है। मुरली कार्तिक और अंजुम चोपड़ा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ड्रीम इलेवन प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। आईपीएल के रण में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला। इस मैच से पहले ठीक शाम 7 बजे आपसे करेंगे मुलाकात।